नमस्कार, मैं प्रांजलि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। और अब वक्त हो चुका है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही उसका निस्तारण किया, जिसके बाद विधायक विनोद सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सुल्तानपुर में कलेक्ट्रेट के साथ मुख्य मार्ग और विभागों के लिए नए सिपाहियों का भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। अमेठी कलेक्ट्रेट सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 19 दिसंबर 2023 से होने वाली सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर डीएम और एसपी ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। अमेठी में सशस्त्र सेना दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय पर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने सैनिकों के कल्याण स्मारिका का विमोचन किया। अमेठी में पूर्वा शुक्ल बाजार गांव की रहने वाली चंद्रावती कल्याण की बेटी को कुत्ते ने काट लिया था, जिसका इलाज कराने वह सरकारी अस्पताल शुक्ल बाजार पहुंची थी, जहां कर्मचारियों ने चंद्रावती से सुई लगाने का 40 रुपए मांगा। अमेठी में बीएलओ देवी प्रसाद पांडे मतदाता सूची में ही हेर फेर कर रहे हैं। दरअसल नियावा गांव के 30 से ज्यादा मतदाता का नाम बीएलओ देवी प्रसाद पांडे ने दूसरे गांव में जोड़ दिया, जिसकी वजह से मतदाता काफी परेशान हैं। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ने खाद के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव और महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आरती के लिए राजस्थान से 650 किलो शुद्ध देसी घी, थाईलैंड से मिट्टी, कंबोडिया से हल्दी अयोध्या पहुंची। बहराइच में एसपी प्रशांत वर्मा ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायतों को सुना और साथ ही उनके निस्तारण के लिए माथितों को आदेश दिया। बहराइच के रेलवे स्टेशन में यात्री इस ठंड में ठंडी फर्श पर रात गुजारने को मजबूर हैं। जौनपुर में थानागदी के बराई गांव के पूर्वा आसमान पट्टी गांव के रहने वाले अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश पांडे की बेटी आंचल पांडे का जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में 24.5 लाख के पैकेज में इंजीनियरिंग के पद पर कैंपस सिलेक्शन हो गया, जिससे परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। लखीमपुखीरी में करीब 4 बजे संकटा देवी चौकी के सामने 11,000 लाइन के पोल में ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभे के 2 टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से कई मोहल्लों में बिजली चली गई। लखीमपुखीरी में खाद में बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल की अगुवाई में जिलाधिकारी को सैकड़ों कांग्रेस जनों के साथ विरोध जताते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। श्रावस्ती में एसएसबी ने रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से मोतीपुर कला और गब्बापुर गांव में विकलांग जनों को 31 ट्राई साइकिल बांटे। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।